अधिवक्ता संघ धर्मजगढ़ ने थाना प्रभारी धर्मजगढ़ को आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की है, जिसमें राजस्व कार्यालयों में बिना अनुमति तालाबंदी करने वाले अधिकारी कर्मचारी पर कार्रवाई करने की मांग की गई। अधिवक्ता संघ द्वारा बताया गया 14 एवं 15 जनवरी को तहसील धर्मजगढ़ के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा राज्य सरकार या कलेक्टर रायगढ़ से अनुमति लिए बिना कार्यालय में तालाबंदी की गई है, जिससे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं राज्य शासन को भी नुकसान हो रहा है। राजस्व कार्यालयों में इस तरह अवैध रूप से तालाबंदी करना शासन के नियम विरुद्ध है, जिस पर कार्रवाई किया जाना आवश्यक है। साथ ही जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध सिविल सेवा आचरण के तहत भी दंडात्मक कार्रवाई आवश्यक है। अधिवक्ता संघ की टीम नारेबाजी करते हुए थाना परिसर पहुंची, जहां थाना प्रभारी को जानकारी देते हुए आवेदन दिया है। बता दें, पिछले सप्ताह रायगढ़ में तहसीलदार अधिवक्ताओं के बीच मारपीट की घटना सामने आई थी, जिस पर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी संघ पूरे प्रदेश में हड़ताल पर है, लेकिन इस तालाबंदी से आम जनता परेशान है। ये जो राजस्व न्यायालय है, इन लोगों ने बिना किसी जानकारी के, बिना किसी अल्टीमेटम के इन्होंने तालाबंदी कर दिया। देखिए, विरोध करने का हक सबको है, लेकिन सरकारी कर्मचारी हो के सरकार के जो ऑफिसेज हैं, इनको बंद करने का कोई अधिकार नहीं है। ये क्रिमिनल ऑफेंस है। भरत लाल साहू, धर्मजगढ़, रायगढ़।